ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। 400 पार की बात कर रहे हैं और आधे घंटे पहले जो व्यक्ति कांग्रेस इसमें बीजेपी में शामिल होता है, कांग्रेस की बैकग्राउंड वाले, उसको टिकट दे देते हैं। नवीन जिंदल जो 10 साल से तो पता नहीं कहाँ विदेश में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, वही नवीन जिंदल है जिसके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप ये लोग लगाते थे भारतीय। वो चाह रहे हैं 400 सीटें उनको किस लिए चाहिए, काम करने के लिए तो 272 सीटें, 400 सीटें उनको चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कानून को बदलना है। जो 2013 में कांग्रेस भूमि अधिग्रहण कानून बना गई थी जिससे करोड़ों इस देश के किसानों को फायदा मिला था और पूंजीपतियों को नुकसान हुआ था, उस भूमि अधिग्रहण कानून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलना चाहती है। और राव इंद्रजीत सिंह जी एक बहुत बड़े नेता है इस क्षेत्र के, कोई शक नहीं है इस बात में, और उनके बराबरी का कोई नेता आज हमारे दक्षिणी हरियाणा में नहीं है। अगर उनसे लड़ाई लड़नी है तो कम से कम लड़ाई लड़ने लायक दिखो तो सही। नेताओं, 5 लाख वोट से हमारी शुरुआत होनी है कांग्रेस पार्टी की। अगर आप 2-3 लाख वोट लेने जितनी मेहनत करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हो तो क्यों तो आप चुनाव लड़ रहे हो, क्यों आप चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हो। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी चिंतन मंथन करने में लगी है कि 10 लोकसभा सीटों पर, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किसे उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं। क्या कहेंगे सर, एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार, और दूसरी तरफ कांग्रेस को जिस मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहिए वो तैयारी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। देखिए, आपकी दोनों बातों का मैं बारी बारी जवाब दे देता हूँ। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी कि 543 में से 400 लोकसभा सीटें जीतने की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उनके क्रियाकलाप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास हैं। जो आदमी कंफर्ट मेजोरिटी ले रहा है, जिसको ये विश्वास है कि मैं, क्योंकि 400 तो बहुत ज़्यादा सीटें हो जाती है, 272 पे ही सरकार बन जाती है, वो आदमी तो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको तो ज़्यादा इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या कारण है कि 400 पार की बात कर रहे हैं और आधे घंटे पहले जो व्यक्ति कांग्रेस इसमें बीजेपी में शामिल होता है, कांग्रेस की बैकग्राउंड वाले, उसको टिकट दे देते हैं। नवीन जिंदल जो 10 साल से तो पता नहीं कहाँ विदेश में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, ये वही नवीन जिंदल है जिसके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप ये लोग लगाते थे भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार डॉक्टर अशोक तंवर जी कांग्रेस की पृष्ठभूमि के, उनको इनको सिरसा से टिकट दिया, जबकि सिरसा से भी इनके पास सांसद है मौजूदा, कुरुक्षेत्र से भी इनके पास मौजूदा सांसद है जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तीसरा रणजीत सिंह चौटाला जी को, वो निर्दलीय विधायक के तौर पर थे, उनको टिकट दिया, वहाँ से भी बीजेपी के ब्रिजेंद्र सिंह थे। तो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, अगर 400 पार हो रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ी है दूसरी पार्टियों के नेताओं को आधा आधा घंटा पहले शामिल करके और टिकट देने। स्वेच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है उनके साथ। लेकिन आपके कांग्रेसी नेताओं की अगर मैं बात करूं, तो कुमारी शैलजा से जब सवाल किया गया हरियाणा तक में, तो उनका साफ तौर से कहना था कि वे तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। और जो नेता हैं उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें कि ये मजबूती के साथ कहा जा रहा है कि रोहतक लोकसभा से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उनकी तरफ से कोई बयान ही आया नहीं है कि मैं रोहतक लोकसभा से टिकट मांग रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ या फिर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं 10 की 10 लोकसभा सीट पर, लेकिन आपके तो उम्मीदवार कहाँ हैं अता पता ही नहीं है कांग्रेस के उम्मीदवारों का। तो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो टिकट देना है पार्टी का काम, अगर पार्टी टिकट वरिष्ठ नेताओं को, शैलजा जी को, हुड्डा जी को देंगी तो जरूर लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर जी ने कब कहा था कि मैं करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा? रणजीत सिंह चौटाला जी जो बिजली मंत्री, अभी अभी शपथ लिया उन्होंने दूसरी बार, उन्होंने कब कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा? वो चलो पार्टी संगठन का नहीं, 400 पार का अगर नारा है तो ऐसे चेहरे मैदान में जरूर, ये तो रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है। उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है इस देश में, और वो किसी तरीके से अपने जो किले को ढहने से बचाने के लिए उन्होंने जैसे पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था और वो उस नारे की आड़ में 40 सीटें लेने में कामयाब हो गए थे, तो इनका वो है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो विपक्ष मुक्त भारत की है।
कांग्रेस मुक्त भारत की है, उसमें ये नहीं है कांग्रेस नेताओं से मुक्त। कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं वो तो अपने मिला लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऊपर उद्योगपतियों का आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं 400 सीटें उनको किस लिए चाहिए, काम करने के लिए तो 272 सीटें, 400 सीटें उनको चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कानून को बदलना है, जो 2013 में कांग्रेस भूमि अधिग्रहण कानून बना गई थी जिससे करोड़ों इस देश के किसानों को फायदा मिला था और पूंजीपतियों को नुकसान हुआ था। उस भूमि अधिग्रहण कानून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलना चाहती है। जिस सूचना का अधिकार कानून, जिसको मेरे को एक कलम 10 रुपए के पेन से ये ताकत दी कि मैं प्रधानमंत्री जी ने आज क्या किया ये भी जानकारी हासिल कर सकूं, जो पारदर्शिता के लिए एक बेंचमार्क है देश में, उस सूचना का अधिकार कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म करना चाहती है 400 सीट लेकर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, प्रदर्शन का अधिकार दिया है, विरोध का अधिकार दिया है, उस विरोध के अधिकार को समाप्त करने के लिए चाहती है। जो श्रम कानून, जो श्रम को हमें, जो श्रमिकों को अधिकार मिले हैं कि न्यूनतम वेज मिलेगा, काम के घंटे निश्चित है और तनख्वाह बढ़ेगी और कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा, उस श्रम कानून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलना चाह रही है। और जो बेगारी प्रथा पहले अंग्रेजों के समय में चलती थी कि एक मजदूरों को बाड़े के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उनको खाना देकर सिर्फ काम कराया जाएगा, उनके कोई अधिकार नहीं रहेंगे, ना हड़ताल का अधिकार रहेगा, ना छुट्टी का अधिकार रहेगा, ना काम के घंटे निश्चित होंगे। राजेश भाई, ये तमाम जो मुद्दे हैं ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि 400 पार होंगे कि नहीं होंगे। और ये तमाम बातें जो हैं वो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी बता रहे हैं लोगों को, जनता को, और अभी जो न्याय यात्रा इन्होंने शुरू की वहाँ पे भी बता रहे हैं। मैं तो आपसे हरियाणा की राजनीति को लेकर बात कर रहा हूँ कि जिस कद्दावर नेता से के पास के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है कांग्रेस के पास, कभी राज बब्बर को लेकर आ रहे हैं, कभी कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम है, कभी रावदान सिंह का नाम है, कभी एक ऐसे नेता का भी नाम है जिन्होंने अब तक कोई सरपंची का चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे तैयारी कांग्रेस की है लोकसभा चुनावों को लेकर। राविंद्र जीत को 5वीं योजना में लगातार टिकट मिला है, 4 योजनाओं में जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस अधूरी तैयारियों के साथ लोकसभा चुनाव जीतेगी, ये तमाम मुद्दे तो जनता डिसाइड करेगी लोकसभा चुनाव में। ये बिल्कुल नीरज जी आपकी बात 100% सत्य है कि हम गुरुग्राम लोकसभा में देख रहे हैं, तो हम आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही है। वैसे ऐसा नहीं है, हरियाणा में शैलजा जी 65 साल की उम्र करीब उनकी हो चुकी है, वो बिल्कुल सक्रिय है, दिन रात दौरे कर रही हैं। किरण चौधरी जी दौरे कर रही हैं, सुरजेवाला जी भी अपना काम कर रहे हैं निष्ठा के साथ। भूपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं, वो भी नियमित तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस दिखाई दे रही है, मजबूत है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो बात करूँ तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग जो राहुल गांधी जी ने दक्षिण से उत्तर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूर्व से पश्चिम तक, मणिपुर से और महाराष्ट्र तक जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली, उन्होंने पूरा अपना जीवन एक तरीके से समर्पित कर दिया। कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो इस उम्र में भी बिल्कुल सक्रिय है, अपने अपने क्षेत्रों में बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारे गुरुग्राम में हम लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं कर पा रहे। नहीं, गुड़गांव लोकसभा की बात करूँ, 9 विधानसभाएं हैं, क्या लगता है कि 9 जो विधायक के उम्मीदवार हैं जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी तो ताल ठोकने में लगे हैं, वो खुद तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो हम तो आपके माध्यम से भी, हम अपने मंच पे भी उठा चुके हैं बात पार्टी के पे, कि जो टिकटार्थी है जिन्होंने लोकसभा की टिकट का आवेदन किया है, वो टिकटार्थी क्या उनको ये लग रहा है कि आसमान से वोट गिरेंगे और पड़ जाएंगे कांग्रेस के डब्बे में और जीत जाएंगे, या उनको ये लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को जीतने नहीं देना है और क्योंकि उनको लगता है कि मेवात से 3 लाख वोटें कांग्रेस को फ्री में मिलनी है, 1.5 लाख वोट इन 6 विधानसभा में मिलनी है, 4.5-5 लाख तुम वोट ले लोगे, बैठे बिठाए नेता बन जाओगे, उंगली कटा के शहीद होने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आज जब कांग्रेस इतनी मजबूती से पूरे हरियाणा में लड़ रही है, गुड़गांव में अगर जो आप चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिन भाइयों ने भी आवेदन किया है, तो उन भाइयों को चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का परचम मजबूत करे, भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करे, भाजपा के निकम्मेपन को उजागर करे। और राव इंद्रजीत सिंह जी एक बहुत बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, कोई शक नहीं है इस बात में, और उनके बराबरी का कोई नेता आज हमारे दक्षिणी हरियाणा में नहीं है। अगर उनसे लड़ाई लड़नी है तो कम से कम लड़ाई लड़ने लायक दिखो तो सही। आपने टिकट का आवेदन कर दिया और टीवी में आप चलवा रहे हो कि मेरा नाम आगे चल रहा है, मेरा नाम आगे चल रहा है। अरे भाई, आपका नाम चल रहा है, आपको टिकट भी मिल जाएगी, लेकिन कम से कम 2 महीने चुनाव के रह गए हैं, आप काम करो धरातल पे, जनसभाएं करो, रैलियां करो, आपको किसने रोक रखा है? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 2 साल हो गए आपको भी संगठन की बात करते करते, हालांकि आपके तमाम दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल करो संगठन का तो वो कहते हैं कि हाँ बन रहा है, लेकिन 2 साल से प्रक्रिया चल रही है,
ये कैसी प्रक्रिया है कांग्रेस के संगठन के गठन की जो अब तक पूरी होने में नहीं आ रही है? क्या ये संगठन का गठन लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा या फिर ये संगठन का गठन लोकसभा चुनाव के बाद इसकी घोषणा की जाएगी? देखिए नीरज जी, संगठन की जहाँ तक बात है, 2013 के बाद लगातार लिस्ट बन रही है संगठन की और वो हाईकमान तक पहुँचा दी जाती है। फिर पता नहीं उन लिस्ट को कौन सा जिन लेके उड़ जाता है, फिर वो नई लिस्ट बना के भेजते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा धब्बा है, विपक्षियों के लिए भी हमारे खिलाफ ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पार्टी के अंदरूनी स्तर पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाईकमान से मेरा अनुरोध है, भूपेंद्र हुड्डा जी से, उदय भान जी से, शैलजा जी से, कि कम से कम एक जो बड़ा भाजपाई जो जगह जगह हमें कहीं भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो कहते हैं कांग्रेस के संगठन कहाँ है, तो इस संगठन को दे दीजिए, आपको जिसको बनाना बनाइए, जो जिलाध्यक्ष बनेगा उसके पीछे सब लगेंगे, जो पदाधिकारी बनेगा कांग्रेस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता उसके पीछे रहेंगे, उसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम ये हमारे ऊपर से जो 10 साल से 11 साल से कलंक लगाया कि हमारा हरियाणा में संगठन नहीं है, इस कलंक को मिटवा दीजिए। हाईकमान को आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है। और नीरज जी, जहां तक गुरुग्राम लोकसभा की बात है, अगर गुरुग्राम लोकसभा के मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं 5 लाख वोट से हमारी शुरुआत होनी है कांग्रेस पार्टी की, अगर आप 2-3 लाख वोट लेने जितनी मेहनत करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हो तो क्यों तो आप चुनाव लड़ रहे हो, क्यों आप चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हो? तो ये जो संगठन के कलंक का जो बात कही है ये वरिष्ठ नेता ने, ये कलंक ऐसे ही नहीं लगा है। देखिए, संगठन के गठन की चर्चा कब से शुरू हुई थी? अशोक तंवर को प्रधान बनाया गया प्रदेश का, उनको बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, तब से ये संगठन के गठन की प्रक्रिया चल रही है। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन का गठन नहीं कर पाए, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो ये आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो बड़ी लोबियाँ थी उन्होंने उनको गठन नहीं करने दिया। इसके बाद कुमारी शैलजा, उन्होंने भी संगठन के गठन की जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनी वैसे ही तैयारी शुरू कर दी। ये कहा गया था कि अब 2-4 महीनों में 6 महीनों में कांग्रेस के संगठन का गठन, प्रदेश स्तर का संगठन, मजबूत संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन शैलजा भी वही तमाम बातें कह रही थी, रिपीट कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप कर रही थी जो कि अशोक तंवर करके गए थे। और अब उदय भान जी को भी बने हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए काफ़ी वक्त हो चला है, उनके बनने के बाद भी ये सवाल उठने लगे थे कि क्या दो प्रदेश अध्यक्षों की तरह उदय भान भी संगठन का गठन कर पाएंगे या फिर ये संगठन इस तरह का ही रहेगा। तो दो तो चले गए और एक उदय भान जी हैं, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव का भी समर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बिना संगठन के गठन के कांग्रेस कैसे लोकसभा चुनावों में 4 या 5 सीटों की जीत का दावा कर रही है और विधानसभा चुनावों में, महत्वपूर्ण चुनावों में सत्तासीन होने का दावा कर रही है? इसमें एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।